माय नेम इज वृद्ध सिंह, वेलकम टू द सेशन। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। गेट 2022 में जो एग्जामिनेशंस हुए थे, उन एग्जामिनेशंस के कट ऑफ कुछ इस तरीके से हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पेपर वॉज मॉडरेट, बैलेंस्ड पेपर था और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो पेपर को एक बैलेंस्ड मैनर में क्रिएट करने वाले थे। तो ऐसा पेपर मतलब नॉर्मल, जैसा कि पहले भी मैंने बोला था कि आप लोगों का रिस्पांस भी बैलेंस्ड के ऊपर ज़्यादा था और बैलेंस्ड पेपर भी आया था एनालिसिस के बाद। तो गेट बीटी का जो कट ऑफ है, अप्रॉक्सीमेटली तीन तरीके से, तीन कैटेगरीज में कट ऑफ होते हैं। अनरिजर्व्ड अलग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक साथ होता है और एससी एसटी एनपीडब्ल्यूडी का एक साथ होता है। तो अगर हम गेट बीटी के लिए बात करें तो करीब करीब 33 से 35 यानी 33 टू 35 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा। 30 कह सकते हैं कि 30 से लेके 32 मार्क्स ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होगा और करीब करीब जो है 23 टू 25 मार्क्स जो होंगे वो आपके एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में होंगे गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और गेट एक्सेल के लिए जो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए होगा, अप्रॉक्सीमेटली 34 टू 36 है। और अगर हम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 31 टू 33 होगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो 24 टू 26 मार्क्स होंगे। इस रेफरेंस के लिए मैं इमेज आपको यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ और अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ई लर्नम के टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।